हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 2.3 के आगे के सवालों करेंगे। जैसा कि मैंने पहले सवाल पिछले वीडियो में कर दिया था, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पीडीएफ डाली थी, उसके आगे सवाल यानी तीसरे सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा घातांक कितना है यहाँ पर? चार। तो इस बहुपद में कितने शून्य होंगे? चार। और चार में से दो तो दे रखे हैं और दो हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। उसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले तो दो शून्य दे रखे हैं, चूंकि अंडर रूट 5/3 व माइनस अंडर रूट 5/3 इसके दो शून्यक हैं, अतः अब देखिए ये जो शून्य के आंसर आते हैं वो पक्षांतर करने पर आते हैं, बराबर जीरो रख करके पक्षांतर करने पर आते हैं। इसका मतलब ये अंडर रूट 5/3 कहां से आया है? वो आया है आपका एक्स, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट 5/3, ठीक है ना। दूसरा ये वाला है तो एक्स, ये किसका है? माइनस का, तो इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस अंडर रूट 5/3, ठीक है ना। अब देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बहुपद बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वर्ग के ऊपर वर्गमूल है तो दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा? 5/3। तो ये बहुपद बन गया। तो इस बहुपद का ये बहुपद एक गुणनखंड है। और बाकी कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने पहले सवाल में करके दिखाया था आपको कि भाग की क्रिया है, तो इससे इसमें भाग लगाएंगे, तो अब भाग लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, तो भाग लगाएंगे हमारा 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5, ठीक है ना। ये पहले सवाल की तरह से करना है। तो एक्स स्क्वायर से किसमें भाग लगाएंगे? 3x4 में, तो कितनी बार जा रहा है? 3x2 बार, तो ये हो गया आपके 3x4। अब देखिए 3x2 से किसको गुणा करेंगे? 5/3 को करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 से 3 कट रहा है, क्या बच रहा है? माइनस का 5x2। अब हटाएंगे, हटाने पे वही चिन्ह बदलेगा, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, ये कट गए आपके, क्या बचा? 6x3 प्लस के 5 है, 2 बढ़ जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस के 3x2 माइनस के 10x माइनस का 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर से किसमें भाग लगाएंगे? 6x3 में। अब ये कितनी बार जा रहा है? 6x बार जा रहा है, 6x3। अब 5/3 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 6 कितनी बार? 2 बार। और 2 को जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 10 माइनस का 10x। फिर घटाएंगे तो ये कट गए, क्या बचा? 3x2 माइनस का 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर से जब 3x2 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जा रहा है? प्लस 3 बार, ठीक है, 3x2। और 3 को जब 5/3 से गुणा करेंगे तो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? खाली 5। अब घटा लेंगे तो चिन्ह बदला, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो ऐसे सवाल में शेषफल कितना बचता है? हमेशा 0 बचता है, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये बहुपद बचा है, तो अब इसमें से हमको शून्य निकालना है। वैसे ये भाजक है और ये क्या है? भागफल। तो भागफल जो है उसमें से हमको दो शून्य को ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास में भागफल बचा भाई, शेषफल तो यहां 0 बच ही रहा है, ठीक है ना। और जो भागफल है हमारा 3x2 प्लस 6x प्लस 3। अब देखिए ट्रिपल गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो 3 कॉमन निकाल लें इसमें से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 और x प्लस 1,
ठीक है। अब इसमें शून्य बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, शून्य के लिए, शून्य के लिए एफ एक्स बराबर क्या रखते हैं, जीरो। ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा एफ एक्स ही चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, थ्री एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन बराबर जीरो। थ्री जीरो में चला जाएगा, क्या संख्या बचेगी हमारे पास में, एक्स प्लस वन बराबर जीरो कॉमा एक्स प्लस वन बराबर जीरो। पक्षांतर हो जाएगा x बराबर माइनस एक और यहाँ भी x बराबर माइनस एक। तो ये हमारे दो आंसर हो गए, x बराबर माइनस एक और x बराबर माइनस एक। तो दो शून्य दे रखे थे सवाल के अंदर, अंडरूट पांच बटे तीन और माइनस अंडरूट पांच बटे तीन। तो सबसे पहले हमने इसका बहुपद बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस पांच बटे तीन। इस बहुपद से दिए गए बहुपद में हमने भाग लगा दिया, भाग लगाने के बाद में जो हमारा भागफल आया उसके हमने त्रिपद गुणनखंड बन रहे थे तो उसके हमने टुकड़े कर दिए। हालांकि टुकड़े से बजाय ये पूर्ण वर्ग से भी हो रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो इसके दो शून्य प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर चार, देखिए एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, तो ये तो है हमारा भागफल एक्स माइनस टू और शेषफल है हमारा माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो जी एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं हम इसमें, तो वो क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और उसको यदि हम व्यंजक के रूप में लिखें तो वो क्या बन जाएगा, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है ना। ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। अब देखिए सवाल के अंदर जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल दे रखे हैं प्रश्न के अंदर, तो जी एक्स का मान निकालना है। तो इसमें से यदि हमको जी एक्स का मान निकालना पड़े तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर पी एक्स, और जी एक्स का मान निकाल रहे हैं तो आर एक्स को इसके पास में लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का आर एक्स, और जी एक्स और क्यू एक्स के बीच में किसका चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, तो यहां से क्यू एक्स हटेगी तो कहां जाएगी, इसके नीचे बटे में क्या आएगा, यहां पे क्यू एक्स, ठीक है ना। अब इन तीनों के मान यहां प्रश्न में दिए हुए हैं तो वह जमा देते हैं, तो पी एक्स का मान दे रखा है एक्स क्यू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस आर एक्स, आर एक्स कौन सा है, शेषफल, तो वो है हमारे पास में माइनस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है ना, बटे क्यू एक्स
भागफल और शेषफल, तो शेषफल जमा दिया तो भागफल हमारे पास कौन सा है x माइनस टू। तो यहाँ पी एक्स का मान जमा दिया, फिर आर एक्स का मान जमा दिया और नीचे क्यू एक्स का जमा दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो देखिए क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब देखिए कोष्ठक के बाद चिन्ह किसका है, माइनस का, तो चिन्ह बदलेगा प्लस के टू एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा फोर बटे में एक्स माइनस टू। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस के और टू एक्स प्लस के तो कितने हो गए थ्री एक्स, और चार में से दो घटेगा तो कितना बचेगा दो बटे में एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू से इसमें भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब भाग लगाते हैं, देखिए तो x माइनस टू से भाग लगाना है हमको x क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। तो भाग लगाने की क्रिया इससे पहले वाले दो सवालों में थी वही क्रिया इसके अंदर है, ठीक है ना। तो x का भाग लगाएंगे, x क्यू में कितनी बार जा रहा है x स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर को दो से गुणा करेंगे कितना आएगा दो एक्स स्क्वायर, घटा देंगे चिन्ह बदलेगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गए कितना बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब एक्स का भाग लगाएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर में, तो माइनस के एक्स बार जा रहा है माइनस का एक्स, माइनस के एक्स को माइनस को दो से गुणा करेंगे तो प्लस के दो एक्स, फिर घटाने पर चिन्ह बदलेगा ये कट गया ये कितना बचेगा x माइनस दो। अब x का x हमारा कितनी बार जा रहा है एक बार, ठीक है प्लस एक x माइनस दो। तो ये हमारा आ गया, क्या निकालना था हमको जी एक्स निकालना था, तो ये जी एक्स का मान हो गया, ठीक है ना। इजी है भाई, जी एक्स का मान हमको निकालना है इसके अंदर, तो पी एक्स तो है ही, है ना। अब देखिए सबसे पहले आर एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, है ना, और क्यू एक्स कहां जाएगा इसके नीचे। तो पी एक्स आर एक्स और क्यू एक्स के मान प्रश्न में दे रखे हैं, ये पी एक्स है, ये भागफल है और ये आपका शेषफल है, तीनों मानों को उठाकर किसने जमा दिया है भागफल शेषफल और भागफल, ठीक है ना। इसको इकट्ठा करके इससे भाग लगाया तो ये आंसर आ गया, आपसे नोट कर लें। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन में पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण लेने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो वो क्या था विभाजन एल्गोरिथम, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल हमको देने हैं और उसके अंदर जो पहली कंडीशन क्या है कि जो उसमें पी एक्स की घात होगी उसी के बराबर में हमको क्यू एक्स की घात लेनी है, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या था इसमें, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला यह था पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है ना। तो इस सवाल का मतलब है कि मैं पी एक्स की ऐसी घातांक लूंगा कि मुझे क्यू एक्स की उसकी घात के समान होना चाहिए, पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात समान होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, पी एक्स के स्थान पर ले लेता हूं मैं 3x² + 6x + 12। जैसे मैंने पी एक्स का मान ही ले लिया, एक बहुपद ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से तीन कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा अंदर, x² + 3×6 2x + 3×4 12 4। तो तीन मैंने कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है ना, प्लस, तो यहाँ पे पूरा ये बहुपद खत्म हो गया, तो इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा इसमें, जीरो। और आप गौर से देख लीजिए, पी एक्स की घातांक यहाँ पे कितनी है, दो, ठीक है ना, और क्यू एक्स की घातांक यहाँ पे कितनी है, दो। तो यही प्रश्न में कह रहा था कि घात पी एक्स और घात क्यू एक्स समान लेने हैं, ठीक है। ऐसे हम कई एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है, तो आप ऐसा नोट कर लें। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या है, इसमें घात क्यू एक्स और घात आर एक्स, यानी इसमें हमको क्यू एक्स और आर एक्स इन दोनों घातांक इस प्रकार के बहुपद देने हैं, इन दोनों घातांक क्या होनी चाहिए, समान, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको यहां से शुरू करता हूं इसमें, तो इसको दोबारा से लेके आते हैं, अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो मैं यहां शुरू करता हूं, अगर आर एक्स, इस आर एक्स के स्थान पर कोई सा एक बहुपद ले लें, जैसे ले लें हम x + 3, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस क्यू एक्स के स्थान पर हम ले लें x + 2। ऐसा मैं इधर से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे qx और rx की घातों को क्या करना है, समान करना है, ठीक है ना। तो यहां पे भी घात एक आ रही है और यहां पे भी घात एक आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम gx के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं x² + 1। gx के स्थान पर मैंने x² + 1 ले लिया है, qx के स्थान पे x + 2 और rx के स्थान पे भी x + 3 लिया है, क्योंकि मुझे घातांक को समान करना था, तो यहाँ पे भी घात है और यहाँ पे भी घात कितनी है, एक, ठीक है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, px बन जाएगा। अब देखिए, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x³ को 2 से करेंगे तो 2x², फिर 1 को x करेंगे तो 1x, फिर 1 का 2 में करेंगे तो 2, ठीक है ना। और ये हमारा शेष पर चल ही रहा था x + 3, तो जब इसको इकट्ठा करेंगे x³ + 2x² तो 1x और x, यानी 1x कितने हो गए, 2x हो गए, ठीक है ना, और 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो ये हमारा क्या आ गया, px आ गया, ठीक है ना। तो px के स्थान पर लिख देंगे इसको, ये हमारा क्या आ गया, px। तो इस सवाल के अंदर हमको क्या करना था, घात qx और घात rx को समान लेना था, तो हमने यहाँ पे देखिए समान ले लिए। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपनी इच्छा से कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लें, नोट कर लें, 5-7 सेकंड कितने में? तो देखिए तीसरे पॉइंट में हमको क्या लेना है, घातांक आर एक्स का घात कितना लेना है, हमको शून्य लेना है, ठीक है। आर एक्स मीन्स यानी आर एक्स क्या है, इसमें शेषफल है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो इसमें मैं ले लूँ 3x² + 6x + 10। ये पी एक्स मैंने अपनी इच्छा से ले लिया, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर देखें क्या कर रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर तीन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² + 3×6 2x + अब ध्यान से देखें, ये जो आपको 10 दिख रहा है ना, इस 10 को हमें ऐसे लिख लें 9 + 1। तो इस 9 में से ये 3 कॉमन निकाल रहा हूं, तो 9 में से 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, 3, ठीक है ना। अब क्या बच गया लास्ट में जाकर के, प्लस वन, ठीक है। तो अब देखिए आर एक्स की घात 0 आ गई, क्योंकि 1 तो 1 के बगल में कितना है, x की पावर क्या है, 0 है, ठीक है ना, अचर पद है ना 1,
तो यदि आप वन है तो इस वन की जगह वन इंटू एक्स की पावर क्या है यहाँ पे जीरो है, तो घातांक यहाँ पे कितना आ गया जीरो। तो इसमें ये कह रहा था कि आर एक्स की घातांक हमको कितना लेना था जीरो लेना था, तो ये घातांक जीरो आ गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपनी इच्छा से दे सकते हैं, ठीक है ना।